कि 700 रुपए पैकेट से उसको फिक्स किया जाए। हमारे किसान भाई अगर मांगता 700 रुपए तो वो उसको 700 नहीं मिलते, उसको 300 रुपए में। नाइट वाली सुविधा ये है गलत, ये कायदे में दिन की मंडी होना चाहिए। इसलिए कि रात में बेचारा अगर कहीं 10-5 हजार ले जा रहा है और पता चला रास्ते में किसी ने छीन लिए। नमस्कार, मैं हूँ आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं समाज की नजर। किसान भाइयों, इस समय मौजूद है ठटिया मंडी कन्नौज में, जो कि हाल ही में आप लोग देखते चले आ रहे हैं, अपने वीडियो भी लाइव आते हैं और लाइव भी आते हैं, लगातार आलू की बिक्री हम दिखाते हैं। वैसे ही आज इसी एपिसोड में आज बात करेंगे। आज ठटिया मंडी में एक नंबर दुकान का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है, नितिन एंड ब्रदर्स दुकान नंबर एक पे। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष नेता भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ की निगरानी में भी है और कई लोग भी और सम्मानीय लोग मौजूद है यहाँ पे। और आज के तारीख में अगर एक दिसंबर 1 दिसंबर को यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन के दौरान क्या क्या चीजें हैं और किन किन चीजों का यहाँ पे ध्यान दिया गया है और किसानों को क्या सुविधाएं मिलनी है, आज कितना आलू आने वाला है, क्या रेड होने वाला है, और जितने भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तब भी शेयर करें, क्योंकि एक नंबर दुकान है, उद्घाटन थोड़ा लेट हुआ है, उसके लिए किस वजह से क्या रहा उसके बारे में जानकारी लेंगे यहाँ से। लेकिन अगर फिलहाल में अगर बात करते हैं, एक नंबर दुकान पे फर्स्ट गली में ही आता है, सबसे ज्यादा आमद इसी गली में लगती है। आज के अगर दिन में देखते हैं भैया के यहाँ कितना आलू आया और आलू का रेट क्या रहने वाला है, किसानों को क्या पहला जो किसान आएगा दुकान पे क्या ऑफर मिलने वाला है धमाकेदार। भैया नाम बताइए सबसे पहले। जी, मैं अवधेश कुमार गुप्ता जी बोल रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन सावित्री के जिला अध्यक्ष हूँ। सर, मैं जानना चाहूंगा, आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को आज 1 साल पहले भी बीत गया है, दुकान नंबर अपना 1 पड़ता ही है, लेकिन आज सेकेंड ईयर में स्टार्ट हुआ है, तो इसकी वजह से क्या वजह है? वजह ये रहा है कि हमको ये जानकारी नहीं थी, बच्चों लोगों ने ली है, तो अभी कल इन्होंने कहा कि मुझे दुकान को चालू करना है, तो किसी तरीके से इनको थोड़ा दिक्कत रही, समस्या स्वास्थ्य में भी कमी रही है, इसलिए नहीं चालू की गई है, तो इसलिए लेट की गई है। तो आज से बहुत बहुत खुशी का अवसर है, आसपास के जो किसान हैं और कई किसान आपको पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, उन किसानों के लिए सर इस बार आप क्या संदेश देना चाहेंगे दुकान नंबर एक पे, आप मौके पर पधारे? देना चाहेंगे कि किसान भाई आए, हम लोगों से मिले, भले आलू ये लाए ना लाए, ले मैं उसके लिए हर समय खड़ा हूँ, हर वक्त रात के 1 बजे याद करे, 2 बजे याद करे, किसी वक्त याद करे, मैं उसके लिए हर समय खड़ा हूँ, किसी समस्या को लेके हम उसके साथ हैं। अच्छा सर, ठटिया मंडी में दिन पे दिन डेवलपमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं, और भी टीन सेट वगैरह भी उसका जो प्रयास चल रहा था, टीन सेट पास भी हो गया है, कई किसानों के और भी कहीं ना कहीं मांग है, डिमांड है कि तरह तरह की यहाँ पे और भी चीजें होनी चाहिए, तो अभी अगर मंडी में निगरानी में देखा जाए तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको चाहिए? निगरानी में होना चाहिए, टीन सेट होना चाहिए, चौतरा भी बनने चाहिए, किसान को सारी फैसिलिटी मिलना चाहिए और सीसी कैमरा फुटेज भी होना चाहिए, किसान की हर सुविधा मिलना चाहिए और किसान का रेट भी दर होना भी चाहिए, दर होना चाहिए कम से कम। सरकार से ये कहना है कि 700 रुपए पैकेट से उसको फिक्स किया जाए, किसान को जो 2 पैसे लाभ मिले, रात दिन मेहनत करता है उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा अभी तक है। मेरा ये कहना है कि 700 रुपए का रेट सरकार फिक्स खोल दिया जाए। अच्छा सर, 700 रुपए हो या फिर मंडी के अनुसार जो भी रेट हो, लेकिन एक रेट फिक्स होना चाहिए, एक रेट फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि आज 50 हो रहा, कहीं 60 हो रहा, कभी 70 हो रहा, ये गलत हो रहा है। सरकार को हर चीज पे अपना तय करती है, हमारा ही आइटम लेके 5 रुपए का चिप्स 5 ग्राम देता है, आलू हमारा ज्यादा 1 किलो जाता है कि 10 रुपए में जा रहा है। अच्छा, आज सरकार की अगर कोई भी चीज हो उसका रेट फिक्स होता है, ये किसान भाई हमारा आज भी तय नहीं कर पाता, एक सड़क पे बैठा होता मोची भाई बैठा होता है, अगर आप जूते में 4 कीले लगवाने जाओगे तब भी बोलता 15 रुपए लेंगे। हमारे किसान भाई अगर मांगता 700 रुपए तो उसको 700 नहीं मिलते, उसको 300 रुपए मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? किसान की क्यों नहीं सुनवाई होती है? तो अच्छा सर, किसान के इसमें अन्नदाता होता है, ये भगवान का रूप होता है, प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो आलू का रेट है वो फिक्स होना चाहिए। हमारे साथ नेताजी मौजूद थे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, बाकी किसानों को जो भी किसान देख रहे हैं यहाँ से, और एक नंबर दुकान का शुभारंभ हो चुका है, आप लोग यहाँ पे आइए भैया का, और आरती के रूप में भैया को देखते हैं, कुलदीप भैया जो कि अक्सर आप लोग कोल्ड स्टोरों में इनको देखते रहे होंगे, भैया भी यहाँ पे मौजूद है, इनकी भी निगरानी में यहाँ आलू की बिक्री हमेशा आपकी कराई जाएगी, आलू जितना भी किसान भाई आएंगे यही हैंडल करने वाले हैं। भैया अपना नाम और परिचय पहले दीजिए पूरा। कुलदीप कटियार जी। कुलदीप जी, हम जानना चाहेंगे कि जो भी किसान है, आसपास के लोग किसान देख रहे हैं,
अच्छा, अपने यहाँ जो पहला किसान आएगा उसके लिए गिफ्ट क्या रखा गया पहले? हालांकि पहला किसान तो कल ही आ गया, नगद पैसे लेके चला गया। नगद पैसे लेके चला गया, मुझे नगद पैसा मिल गया, हमको दौड़ाया तो नहीं। और हमारा यहाँ भी उद्देश्य रहेगा किसान को टाइम से पैसा मिल जाए, उसको उचित दर मिल जाए, उसका अच्छे भाव में आलू बिक जाए। बस किसान का पैसा सुरक्षित है तभी तो बार बार मेरे पास आएगा। अच्छा सर, आज जैसे कि आपने बताया कल ही बिक्री हो चुकी है अपने यहाँ, आज कुछ आलू आया अपने दुकान पे? अभी नहीं, आ रहा है। आ रहा जी हाँ। अच्छा, मंडी रेट वगैरह कुछ पता है आपको? मंडी आज भैया मान के लिए सफेद 500 रुपए का। सफेद 500 रुपए जी जी। तो हमारे साथ और भी भैया हैं, इनसे भी जानते हैं। भैया बताइए, किसानों के इसमें बताइए क्या क्या जो मंडी चल रही है, मंडी के अनुसार बताइए। मंडी का आज भाव, आप उपस्थित भी हुए हैं दुकान नंबर 1 में? जी जी। तो बताएं, आज भाव यहाँ का 500 रुपए रहा है लगभग, और जो कि किसान का भाव एक फिक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किसानों का कोई भाव फिक्स नहीं है। और सरकार से ये मांग है कि किसानों का भी भाव फिक्स हो। अच्छा, मंडी में देखा जाए तो बहुत सारी सुविधाएं जो अभी कागजी तौर पे चल रही हैं, कार्य भी प्रोसेस पे है, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जैसे कि बैंक की सुविधा है, लेकिन अभी पूरे तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल रही है। और वहीं बगल में शौचालय की तो सुविधा आई नहीं बिल्कुल भी, कैंटीन भी है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे मंडी आपके माध्यम से? ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बंद पड़ा हुआ है, लेट्रिन वगैरह है वहाँ पे, कैंटीन भी बंद पड़ी हुई है, जो सरकार से मांग करेंगे, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे कहना मेरा यही है कि उनको खुलवा के सुचारू रूप से चालू कराएं। अच्छा, हम नेताजी से एक और सवाल करना चाहेंगे सर। जैसे कि किसानों का यहाँ बराबर डिमांड आता है, हम अक्सर फील्ड में रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, डिमांड ये आता है कि मंडी जो नाइट की है इसको दिन में किया जाए। दूसरी बात, जो मंडी यहाँ पे कैश थोड़ा कम मिल पाता है, कहीं ना कहीं कुछ दिन का समय लगता है यहाँ पे, जो व्यापारी लोग हमेशा कतराते हैं नगद पेमेंट करने के लिए, वो एक कहीं ना कहीं उसमें बाधा आ रही है कि पहली बात पे यहाँ पे जो बैंक है वो पेंडिंग में है, वो बैंक के सुचारू रूप से नहीं चल रही। बैंक को सुविधा सरकार को देना चाहिए, हर समय उपलब्ध पैसा मिलना चाहिए, और किसान को जब नगद पेमेंट मिलेगा वो 10 रुपए कम में बेच के चला जाता, उसको पैसे की जरूरत तभी खोद रहा है जमीन में से, नहीं तो वो पक्की सीजन नहीं खोदेगा क्या? तो उसको पैसे की जरूरत इसलिए लाता है। और नाइट वाली सुविधा ये है गलत, ये कायदे में दिन की मंडी होना चाहिए, इसलिए कि रात में बेचारा अगर कहीं 10-5 हजार ले जा रहा है और पता चला रास्ते में किसी ने छीन लिए तो उसकी जीवन की धरना वही सब चली जाएगी। तो यहाँ उसकी पुलिस व्यवस्था होना भी चाहिए, चौकी भी होना चाहिए यहाँ पे पुलिस की। ये हमारी सरकार से मांग है कि यहाँ एक पुलिस चौकी भी होना चाहिए और किसान की सारी सुरक्षा होना भी चाहिए, यहाँ पे बैंक सुविधा यहाँ होना भी चाहिए, और ये नाइट की जो मंडी है ये दिन की मंडी की जाए। तो किसान भाइयों, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा, मनोज तिवारी कन्नौज जी, सर आज दुकान नंबर 1 का शुभारंभ हुआ है, आप मौके पे उपस्थित हुए, दुकान नंबर 1 के लिए किसानों के हित में कुछ बात बताइए। पहले तो दुकान नंबर 1 के मालिक कुलदीप कटियार को बहुत बहुत बधाई। अब कुलदीप हमारे पहले से ही व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसानों को उचित रेट और पैसे की गारंटी हमेशा रहेगी। आज तक बढ़िया व्यापार कुलदीप पर आए, तो किसान को इससे इनसे जुड़ के लाभ मिलेगा। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा नितिन एंड ब्रदर्स कुलदीप भैया की दुकान का आज उद्घाटन शुभारंभ हो चुका है दुकान नंबर 1 पे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस दुकान पे आए और रौनक बढ़ाएं मंडी की, और पेमेंट की जो पेमेंट रहेगी वो पेमेंट भी आप लोगों को टाइम से और समय से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।